दो दिवसीय दौरे पर मथुरा के वृंदावन गोवर्धन और बरसानी पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गिरिराज के दानघाटी मंदिर में पूजा अर्चना की और गिरिराज के चरणों में दंडवत कर मन्नत मांगी, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण की गोल्फ कार में बैठकर राज्यपाल ने गिरिराज महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा की। मंदिर परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष लंबादार और व्यापारी नेता गणेश पहलवान द्वारा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को वन विभाग की खाली पड़ी भूमि में वन चेतना केंद्र निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद विकास प्राधिकरण की गोल्फ कार में बैठकर आनंदीबेन गिरिराज महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा लगाई और मुखारबिंद मंदिर जतिपुरा पहुंचकर गिरिराज महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले। जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर के सेवायतों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ राज्यपाल को पूजा अर्चना कराई और दुपट्टा माला पहनाकर एवं गिरिराज का चित्रपट भेंट कर स्वागत किया। आज सवाल का विषय है कि मुझे अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के साथ में सप्तकोसी परिक्रमा का संयोग प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे परिक्रमा का महत्व, गिरिराजी स्थलों के धामों के महत्व और गिरिराजी में उन्होंने जतिपुरा गिरिराजी में गिरिराजी की जाकर पूजा की थी। वहाँ मैंने बताया यहाँ पूजा जो हो रही है वो तो पदों से होती है और पूजा का क्रम जो होता है हमारे यहाँ मंत्रों से होता है, मंत्र से जो होता है वो पूजा होती है और पदों से होती है वो सेवा होती है, ऐसा पुष्टि मार्ग की रीति है। ऐसे करके मैंने वहाँ भी उनको बताया और सब जितने भी कुंड स्थान जो पड़े रास्ता में आने और पूछरी जतिपुरा गोवर्धन सभी स्थानों का मैं विवेचन करता रहा। कहाँ कहाँ उन्होंने पूजा की और कहाँ अर्चना करती? पूजा उन्होंने मुखारबिंद जतिपुरा में की, दानघाटी पर की और मुखारबिंद दशा में की। वहीं जिलाधिकारी नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर का भी सेवायतों ने साफा बांधकर एवं चित्रपट भेंट कर स्वागत किया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मुख्य मार्ग और बाजारों को बंद करा दिया था, इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था।